मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार और सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रचार के मोर्चे पर डटी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल अंचल में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अंतिम चुनावी सभा उन्होंने ग्वालियर के इंटग मैदान में की। इस दौरान अमित शाह ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि एमपी में फिर से भाजपा की सरकार बनने होगी। 17 नवंबर को कमल के सामने का बटन दबाए, ये सिर्फ प्रद्युमन तोमर का चुनाव नहीं है, आने वाले समय में मोदी जी के चुनाव का वोट है। पीएम मोदी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है। तीसरी बार मोदी जी को मौका दीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से कांग्रेस को जमकर घेरा। डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करने वाली मोदी जी की सरकार चाहिए या जातिवादी राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए? मित्रों, जवाब आप सभी का स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश का विकास करेगी। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सिंधिया जी ने ग्वालियर के लिए बता दिया है, यह एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, 1000 बिस्तर का नया अस्पताल बन रहा है, नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, अंतरराज्यीय में कोरोना काल में चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, पवैया जी हो, शेजवलकर साहब हो, प्रभात झा जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हम सब ने मिलकर, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, एक एक व्यक्ति ने मिलकर ग्वालियर का एक विकास का खाका बनाया है। और केवल खाका नहीं, हम आपके सामने 5G के साथ नहीं आ रहे, 5 गारंटी के साथ, 5G के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि वो 5G वाले लोगों ने तो अपने कार्यकाल में 2G करके दिखा दिया है। जिन्होंने परम श्रद्धे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, हमारे सांसद परम श्रद्धे विवेक नारायण सोजलकर जी, हमारे पूर्व मंत्री सम्मानीय परम श्रद्धे जयभान सिंह पवैया साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष परम श्रद्धे अभय चौधरी जी, परम श्रद्धे विजय दुबे साहब, परम श्रद्धे हमारे प्रभारी अरुण जी।